राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में 75वीं कैडेट और सब जूनियर राष्ट्रीय एवं इंटरस्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आयोजन की विधिवत शुरुआत मंगलवार को इंडोर स्टेडियम में समारोह पूर्वक हुई। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर वैभव गालरिया, विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ के डीआईजी राजू भार्गव थे, जबकि अध्यक्षता निगम मेयर कमल बाकुलिया ने की। प्रतियोगिता 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय रेफरी अतुल दुबे ने बताया कि प्रतियोगिता में देश के 31 राज्यों सहित पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की 33 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इनमें 616 खिलाड़ी बालक एवं बालिका वर्ग में मैचेस खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को कुल 2,23,000 रूपए की इनाम राशि दी जाएगी। प्रतियोगिता के टीम मुकाबले में ड्रॉ के मुताबिक पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की टीम्स को सब जूनियर, बालक एवं बालिका वर्ग को प्रमुखता से रखा गया है। प्रत्येक टीम को अपने ग्रुप में 3 मैचेस खेलने होंगे, जिसमें हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीम्स दूसरे चरण में पहुंचेंगी। उद्घाटन के साथ ही 13 टेबल्स पर मुकाबले शुरू हो गए। 75वीं ONGC कैडेट एंड सब जूनियर इंटरस्टेट और नेशनल चैंपियनशिप आज यहां शुरू हो चुकी है, और इसमें आज कैडेट बॉयज, कैडेट गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज और सब जूनियर गर्ल्स के टीम चैंपियनशिप के मुकाबले खेले गए हैं। आज पूरे दिन में लगभग 196 मैचेस 13 टेबल्स पे खेले जाएंगे या खेले जा चुके हैं लगभग, जिसमें से 9 टेबल्स इस मेन स्टेडियम में लगी हुई हैं और 4 टेबल्स जो हैं हमारे बी हॉल के अंदर लगी हुई हैं। आज के मुकाबले जो हैं वो एक तरह से ग्रुप लीग के प्रिलिमिनरी राउंड्स के मुकाबले हैं। आज और कल सेकेंड हाफ तक जो मुकाबले खेले जाने हैं उसके हिसाब से लीग के या ग्रुप के विनर्स को का निर्णय किया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और हर ग्रुप के जो टॉप 2 टीमें हैं वो फिर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ टीम चैंपियनशिप के लिए प्रोसीड करेंगी। अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने आंदोलन को गति देना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी बैंक कर्मचारियों के नेता नरेंद्र शेखावत ने मंगलवार से अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी बने कर्मचारियों का आरोप है कि बैंक प्रबंधन आंदोलन को कुचलने के प्रयासों में जुटा हुआ है। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का आरोप है कि विगत लंबे समय से बैंक प्रबंधन चतुर्थ वेतन आयोग को लागू किए जाने सहित अन्य मांगों को नकारता आ रहा है। यही वजह है कि बैंक कर्मचारी और अधिकारी विगत 8 दिन से बैंक महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। बैंक यूनियन के 8 पदाधिकारियों के स्थानांतरण के बाद मंगलवार से यूनियन के कन्वीनर नरेंद्र शेखावत ने आमरण अनशन की शुरुआत की। शेखावत ने दावा किया कि बैंक प्रबंधन द्वारा मांगे नहीं मान लिए जाने तक यह अनशन जारी रहेगा। आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बिहार KGB यूनियंस द्वारा जो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर 80% कर्मचारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा जो आंदोलन के चरण में आमरण अनशन शुरू किया गया है, और आमरण अनशन में श्री नरेंद्र सिंह शेखावत को आज आमरण अनशन में विधायक यहाँ के वासुदेव देवनानी जी ने तिलक और माला पहना करके बैठाया है, और हमारे जो आंदोलन का महापड़ाव का रूप कल निर्णय लिया गया, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और यहाँ आने के बाद पूरे क्षेत्र के लोगों से जो विचार आए उनसे इस मैनेजमेंट के जो नए नए काले कारनामे निकले हैं, तो आंदोलन के दौरान जो नई चीजें जुड़ी है वो हमारी अब नई चीजें, नई मांग होनी शुरू हो गई हैं। जैसे बैंक पर अध्यक्ष द्वारा अपनी भाई भतीजावाद और जातिवाद के लोगों को नई भर्ती के अंदर लिया गया है, हमारी मांग है कि उसकी CBI से जांच होनी चाहिए। दूसरी जो एक नई चीज आई है कि प्रबंधन द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर हमारे 2 अधिकारी और कर्मचारी, इनकी प्रताड़ना से जिनके हार्ट अटैक हुआ है, हमारी आज से ये मांग शुरू हो गई है कि उनकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। जो नया एंटिटी इस बैंक की जो आई सामने वो 1 जनवरी 2013 में आई, उसके बावजूद भी आप ताजुब करेंगे कि एक बैंक में जो राजस्थान ग्रामीण बैंक का है उसको कुछ सुविधाएं अलग मिल रही हैं, जो हाड़ौती ग्रामीण बैंक इसमें अमलगमेट हुई उसको कुछ और सुविधाएं मिल रही हैं, और जो बड़ौदा की जो पहले से बैंक थी ग्रामीण बैंक उसमें कुछ और सुविधाएं मिल गई, और ताज्जुब की बात यह है कि जो नया भर्ती होके आया है उसको क्या मिले, क्योंकि वो तो इन तीनों में नहीं था पहले, जो 2013 के बाद में आए हैं, जो 2013 में आए हैं उनको क्या सुविधाएं मिले। तो ऐसा मैनेजमेंट जिसको स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी विच एवर इज हायर फैसिलिटी है
वो अमलगमेटेड बॉडी में सभी को देनी, लेकिन नहीं देना चाहते। ये इनका एक है कि प्रताड़ित करो, लोगों को बांट के रखो ताकि अपनी चलती रहे। एक अपनी चलाने की सोच, एक तानाशाह की सोच होती है कि मेरी चलती रहे, लेकिन दुकान तो फेल हो रही है। भारत सरकार से MOU है कि 30% की डिपॉजिट में ग्रोथ होनी चाहिए, 30% इस वित्तीय वर्ष में एडवांसेज में ग्रोथ होनी चाहिए। आज दिसंबर निकलने को है, बैंक की डिपॉजिट में 3% से ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। ये मैनेजमेंट का, चेयरमैन का अध्यक्षीय उद्बोधन है, ब्रांचों में भेजा गया है, ईमेल पे डाला गया सर्कुलर है उनका, और एडवांसेज में भी 3% की ग्रोथ नहीं है। जबकि इतनी ग्रोथ तो किसी भी सिस्टम में ब्याज लगने से ही हो जाती है। इसका मतलब कार्य करते हुए तो नेगेटिव ग्रोथ है। इसका मतलब ये है कि जो इस बैंक का मुखिया है वो बैंक को किस दिशा में लेके गया है। ये इसी बातों के लिए, इन्हीं मांगों के लिए हमारा ये आंदोलन है। जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, आम अनशन भी चलेगा, आगे स्ट्राइक भी होंगी और हम सामूहिक रूप से बैंक से इस्तीफे भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बैंक प्रबंधन के आग्रह पर स्थानीय प्रशासन ने बैंक प्रबंधन और आंदोलनकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच मध्यस्थता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के मध्यस्थता में जल्द ही बैंक प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता होने की संभावना है।